बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद आसिफ तजम्मल, बागे सभा आसिफ नर्सी फार्म, तहसील फुराबाद, ज़िला बहावल नगर। तो आज मैं दोस्तों को ऐसे फल के बारे में बताना चाहता हूँ जो मैंने अपना चेक करने के लिए इधर लगाया हुआ था, तो वो है आड़ू का फल। आड़ू का फल जो है वो इधर मरोड़, तहसील फोराबाद, ज़िला भावल नगर, हरुणाबाद हो गया, भावलपुर हो गया, यहाँ पे जजमान हो गया, यहाँ पे भी कामयाब है। तो जो दोस्त इसका शौक़ रखना चाहते हैं तो अपना इसको लगा सकते हैं। ये है अपना जी आड़ू। तो मैं आप दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर मेरा चैनल है आसिफ नर्सरी फार्म के नाम से, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और साथ बेल आइकन का जो बटन है वो दबा दें ताकि जो मेरी जो भी नई वीडियो आने वाली नई वीडियो है वो आपको मिलती रहे और आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगा कि मेरे ज़िम्मेदार भाई जो हैं वो जो अपना शौक़ रखते हैं इनका बागबानी का, फ्रूटें का, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है अपना मुनाफा हासिल कर सके। तो ये हमारे इलाके में आड़ू माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से कामयाब हुआ है। तो ये मैंने फर्स्ट पिकिंग इसकी की है, तो आप दोस्तों को भी दिखाता हूँ, चेक करवाता हूँ जो मैंने ये इधर से जो है आड़ू वगैरह तुड़वाए हैं। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी जो है इसकी पैदावार है। और दूसरा फ़ायदा जो ये है इसका कि ये जो अपना मरोट हो गया, हरुणाबाद, ज़िला बहावल नगर, बहावलपुर, जजमान, अहमदपुर, शर्किया, ये बेल्ट जो है ये आड़ू के लिहाज से भी बहुत अच्छा है, क्योंकि ये अब हमने तो आजमा लिया है ना सर। तो दूसरे नंबर पे इसकी जो पैदावार है, पिकिंग है, बर्दाश्त जो है वो सबसे पहले इधर आती है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा इलाके में गर्मी ज़्यादा पड़ती है, चोलिस्तान का इलाका है, सबसे पहले इधर फल जो है तैयार होता है, उसके बाद ये जो साहिवाल वाला बेल्ट है इसके ऊपर तैयार होता है, और उससे आगे जो अपना है स्वाद का बेल्ट है वो वहाँ पे ये तैयार होता है। तो अभी स्वाद का आड़ू आने में डेढ़ माह, तकरीबन डेढ़ से दो माह का टाइम है वहाँ पर से आने में, और ये हमारा जो है आड़ू पक कर तैयार हो गया है। तो मैं आप दोस्तों को कहता हूँ कि अगर आप लगाना चाहते हैं तो इसको शौक से लगाएं। इसका फ़ायदा जो है वो आप दोस्तों को आड़ू के बारे में पता है और इसके रेट वगैरह का भी बारे में पता है। अगर आप कमाना चाहते हैं तो आड़ू लगाएं और हाई डेंसिटी के ऊपर लगाएं। एक एकड़ में 500 से 600 पौधा जो है वो अपना आड़ू का लगाएँ और लाखों के हिसाब से आप जो है इसकी इनकम ले सकते हैं। और दूसरे नंबर पर जो मैं ये करना चाहता हूँ कि हाई डेंसिटी के ऊपर जो भी बागात लगाने हैं वो अपना हाई डेंसिटी के ऊपर लगाएं, जिसमें अमरूद हो गया, आम हो गए, किन्नो हो गया, आड़ू हो गया, तो ये सारे जो है ना अपना हाई डेंसिटी के ऊपर लगाएं जी। थैंक यू वेरी मच, आप दोस्तों का टाइम लिया मैंने, तो मैं आपको ये इसकी पिकिंग जो फल है वो चेक करवाता हूँ। तो ये है जी अपना आड़ू का फल, ये जो आज हमने पिक किया है, तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी जो है पैदावार आई हुई है। तो हाँ जी आप दोस्तों को ये वाला, ये अपना मरोट का है जी, ज़िला बहावल नगर। तो ये माशाल्लाह बहुत अच्छी पैदावार आई हुई है इसकी। हाँ जी, तो आप भी बागवानी करें और आड़ू लगाएं। तो इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।